फोर्ड के एंडेवर लगा रखी है ग्रैप में। यू लाइक इट अंकल? यस, वेरी नाइस। आंटी को आज खीर चढ़ाई है। यस, हिज नेम इज फॉर। आज आंटी के होम स्टे में रुके थे तो पिक्चर। हिज नेम इज फॉर। हिज सिस्टर्स नेम इज सर। आंटी को चाबी देनी थी ना, चाबी रखती है। आज का सीन बन रहा है कंबोडिया जाने का वियतनाम से, तो वियतनाम से फाइनली आज निकल रहे हैं। ओके आंटी। Toca confundir el amor, la plata y las mujeres. Bicho los fao y los placeres. 7 a.m. bus to Phnom Penh. 3 tickets. Really? Sorry? You book with us? Yes, I book with you and she too. Sir, रात को अपने बस बुकिंग की नहीं थी, बस अभी आया, बस बुक कर ली है। सो आज हम क्रॉस कर रहे हैं लैंड बॉर्डर होचिमिन से फनम फे, एंड जो अराउंड डिस्टेंस कवर होना है वो 250 किलोमीटर के आसपास, और 6 से 7 घंटे की जर्नी है। बाकी बस थोड़ी देर 5-10 मिनट में आ जाएगी पिक करने के लिए। कुछ टाइमिंग्स वगैरह दे रखी है, साइगोन टू फनम फे 8:30 बजे की बस है, 11 बजे बस है, 1 बजे बस है। अपने भाई साहब भी आ गए हैं पिक करने के लिए। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। यस, तो बस चार्ज कर रही है, 6 लाख डॉन्ग हो गए, लगभग 2200-2300 रुपये हो गए, लगभग काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ से कंबोडिया बॉर्डर है 72 किलोमीटर, और अगर यहाँ से मैं बात करूँ फनम फे की वो है 250 किलोमीटर। ओवरऑल जो जर्नी होने वाली है 6-7 घंटे की होने वाली है, बाकी बीच में आधा 1 घंटा हम इमिग्रेशन का लगा लो क्लियर करने में, तो जो भी टाइम लगेगा। सो आ गई हमारी बस। इंडिया। थैंक यू। वाइट पेपर आ गया अपना है। तो जी सीधा फंडा है कि पासपोर्ट और वियतनाम का वीज़ा और कंबोडिया का जो ई वीज़ा है दोनों ले लिए इन्होंने, यही हेल्प कर देते हैं इमिग्रेशन क्लियर करवाने में। हमारे पास ई वीज़ा है और बस का डायरेक्टर कह रहा है कि आपको $10 अलग से देने पड़ेंगे वहाँ पे। हम 3 लोग हैं, तीनों को $10 देने पड़ेंगे इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए। कह रहे हैं वैसे आपका स्टैंप लगेगा नहीं, ये बहुत गलत बात है। $36 का अपने ने ऑनलाइन वीज़ा ले रखा है, उसके बाद $10 इसको दे रहे हैं, तो काफ़ी महंगा पड़ा अपने को वीज़ा। और समझ नहीं आ रहा कि $10 करप्शन में काउंट करूँ या कैसे काउंट करूँ, लेकिन चलो देने पड़े, मजबूरी थे, बस में बैठे हुए थे, ना उतर सकते थे यहाँ पर ना कुछ। अभी फ़िलहाल यही है कि अब दे दिए हैं, अब बॉर्डर जाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। पहुँच गए अपने कंबोडिया के बॉर्डर तक। जा रहा है यार, इंटरव्यू होना है आपका कंबोडिया वाले बॉर्डर पे, वहीं जा रहे हैं। सारा बॉर्डर वाला एरिया हो गया। मतलब कि किसी को सवाल जवाब नहीं पूछ रहे, खाली हम इंडियन को पूछ रहे हैं, खास करके वापस फिर वियतनाम की तरफ लेके जा रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा, और इनकी तो लैंग्वेज का बहुत इशू आता है। तो देखते हैं सामने की तरफ वियतनाम, और पीछे की तरफ था कंबोडिया। तो जी अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पर कंबोडिया के इमिग्रेशन में, पासपोर्ट वगैरह गए हैं वहाँ पर अंदर की तरफ, जैसे क्लियर होते हैं। मतलब कि जो कंडक्टर ने $10 लिए हैं इसी काम के लिए कि इमिग्रेशन में फटाफट थोड़ी स्मूथली करवा दे, लेकिन स्मूथली कोई लग नहीं रहा। फिलहाल देखते हैं क्या है, तब तक यहीं बैठे हुए हैं और वेट करते हैं। आधा घंटा तो पीछे लग गया, और भी आ गया स्टैंप लगने के बाद, कंडक्टर खुद ले के आया। और चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं पहले आया था पहले वाला स्टिकर वीज़ा था, और स्टैंप भी वहीं लगी है। तो जी बस ने स्टॉप लिया बॉर्डर क्रॉस करते ही, कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही अपने बॉर्डर पहुँचे तो पहले वियतनाम वालों ने एग्ज़िट नहीं किया, और जो कंडक्टर था वो बाइक में बिठाया मुझे और ले गया क्या कहते हैं कंबोडिया वाले इमिग्रेशन में, और वहाँ पर उन्होंने 2-4 सवाल जवाब किए मेरे से कि फ़्लाइट की बुकिंग वगैरह बताओ,
रिटर्न फ्लाइट दिखाओ और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ और इंश्योरेंस वगैरह मांगा। तो मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट दे दिए। उसके बाद दोबारा फिर आए वियतनाम की इमिग्रेशन में और उन्होंने एग्जिट लगाया, वो भी आधे घंटा हमें वेट करवाया, बाकी सबको जाने दिया था। मैंने देखा ही खासकर इंडियंस को काफ़ी दिक्कत आ रही है इमिग्रेशन क्लियर करने में, ये बहुत ज़्यादा नाटकबाजी कर रहे हैं, ऐसा सीन है कुछ। 150 से 170 किलोमीटर की जर्नी रह गई है, तब तक आराम से नींद पूरी करते हैं 3-4 घंटे की आराम से। तो जी पहुँच गए कंबोडिया के कैपिटल फनम फे। यहाँ से जाना अपने होटल की तरफ। The same price, $6 for one big data unlimited. We have 10 days plan. 10 days plan, I do for you for $8. I do for 50 GB of internet. How much GB data? 50 GB. So 50 GB data? Yeah. For 10 days? Yeah, for 10 days. Is enough for you? और ये जो भी का गुरीला पोर्ट का ये वाला हिस्सा खो गया था, अब देख सकते हैं ये वाला। एंड फिलहाल मैं बस वाली कंपनी के बिल्कुल पास ही था, तो इन्होंने कॉल किया बस के ड्राइवर को और बस वाले ड्राइवर ने पीछे जाके देखा मेरी सीट में, तो वहीं पड़ा हुआ था। शुगर है मिल गया, नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता, ये किसी काम का नहीं रहता। अपना गिम्बल मिल जाएगा अब। थैंक यू सो मच। तो जी मिल गया। ऑल सेट या ग्रैप। सो ये आया अपना $2 में, जैसा कि अपने इंडिया में चलते हैं ऑटो। तो रखो सामान, इसको भाई ये काफी सामान आ गया अपना यहाँ पर, उस सामान हमने पीछे की तरफ रख दिया। Que pa' ti no hay, si no eres de aquí no te quiere nada. Pero cuando entono a la tonidad, me luces bien o nada. No te quedan a ti, son un wannabe, lo quería decir. Vamos creciendo, todos quieren lo que vendo. Bus se utre yahan pe, to 3-4 bus ke conductor ne aur ek do logo ne hame pehle hi warning de di ki yahan par thoda camera na aur smartphone wagera thoda tarike se use karna, nahi to snatching ho sakti hai. तो इस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत है यहाँ पे कंबोडिया के अंदर ऐसा। सो जी पहुँच गए अपने अपार्टमेंट के बाहर, इसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट। अपार्टमेंट से कुछ ऐसा व्यू है पूरी सिटी का, और ये सब अपार्टमेंट बने हुए हैं। ओनर अभी आ रही है, उसी का ही वेट कर रहे हैं। सो जी ये वाला अपार्टमेंट अपने ने किया था बुक, लेकिन अभी साफ़ सफाई चल रही है इसमें और इसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। इनकम बैंक एंड एक्सेलिंग फेयर आल्सो एंड म्यूजियम ओके नियर बाय द रोजा पैलेस एज़ वेल ओके हियर बाय द यस यस या ओके ओके थैंक यू जस्ट वन। तो फिलहाल ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने जा रहे हैं, तब तक साफ़ सफाई हो जाएगी अपार्टमेंट की। और जो अपार्टमेंट अपने को मिला है 14 फ्लोर में, जहाँ से पूरे कंबोडिया फनम फे का बेस्ट व्यू आ रहा है। दिस साइड यस ओके थैंक यू सो मच। रेन या बारिश हो रही है काफ़ी। और जी भाई साहब जी कर रहे हैं टिक टॉक इंजॉय ऑटो चलाते हुए। तीन किलोमीटर के 20 मिनट दिखा रहा है अभी भी, इतना ट्रैफिक है। भाई साहब जी कर रहे हैं ठीक। तो जी यहाँ पहुँचे हैं फनम फे के फेमस मॉल, जो अपने अपार्टमेंट के जो अपार्टमेंट की ओनर थी उसने बताया था कि काफ़ी फेमस मॉल है यहाँ का, आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी, सिम कार्ड भी यहाँ मिल जाएगा। तो पहले सिम परचेज़ कर लेते हैं, फिर आपको उसका रेट बताता हूँ कि आप में क्या रेट पड़ेगा सिम यहाँ पे कंबोडिया में। और आप बाहर की तरफ कहीं से भी लोग एक्टिवेटेड सिम आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई होगा, $8-9 ऐसे होगा। और उसमें आपको पासवर्ड वगैरह कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। एक मोर डेटा, मोर डेटा सिम परचेज़ कर ली है, स्मार्ट कंपनी की सिम है, $2 में
अपने को एक तो सिम मिल गई और 6 GB डाटा मिल गया वीकली बेसिस पे। तो अगर 6 GB डाटा ख़त्म हो जाता है तो अगले वीक हम फिर से रिन्यू करवा सकते हैं $1 दे के। तो काफ़ी अच्छा प्लान बन गया, मतलब कि $2 $160 में अपने को सिम भी मिल गई और 6 GB डाटा भी मिल गया और $0.50 भी मिल गया। तो मैंने चिकन बर्गर लिया है यहाँ से योन मॉल के अंदर ही, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, खाली ब्रेकफास्ट किया था भी थोड़ा बहुत। पर आपको बता दूँ कि आप $US में भी पे कर सकते हैं, सारी जगह एक्सेप्ट होते हैं। हम तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम, मे बी 300 3 मिनट्स। ओके थैंक यू। तो जी ये सामने है फुनम्फे की सबसे बड़ा सुपर मार्ट नियोन मॉल के अंदर, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। अभी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने आए थे, वही देख रहे हैं, लेकिन कुछ सामान महंगा है काफ़ी, जैसे प्याज हो गए 200 रुपये किलो है यहाँ पे, और जैसे $0.15 पर ग्राम पर 100 ग्राम है खीरे, और इसके अलावा तरबूज की बात करूँ तो तरबूज का रेट है $1.50 पर पीस, मतलब $1.50 का ये पीस है तरबूज का, काफ़ी महंगा है अपने इंडिया से तो काफ़ी महंगी है सब्जी यहाँ पर आपको, लेकिन मिलेगी हर चीज़। अगर ये प्याज की बात करूँ $0.25 के 100 ग्राम ये वाले, और ये वाले 0.15, मतलब ये वाले महंगे हैं और ये सस्ते हैं। लहसुन है $0.50 का 100 ग्राम, बाकी इधर ये सब्जियां हो गई सब। ब्रोकली है $1.50 की एक पीस है ये $1.50 का। इधर ये सारा चिकन वाला सेक्शन आ गया, तो जी चिकन की बात करूँ ना तो $2.50 में है 600 के आसपास ग्राम चिकन, और जैसे ये हो गया 300 के आसपास ग्राम है, और ये है $1.15 का। ये सैल्मन फिश हो गई, इसमें सबसे सस्ती है ये, इतनी सी सैल्मन फिश है $3 की। और मैंने भी यहाँ पर एक चीज़ और देखी थी, ये तो मछली वगैरह तो लगा रखी है, इधर देखो मैडक भी है, मतलब कि मैडक को मैरिनेशन करके रखा हुआ है, और ये $2 का है ये वाला $2 का। सो इधर ये केकड़े हो गए, ये सारा सी फूड हो गया फ्रेश, बाकी इधर ये अंडे का सेक्शन आ गया, तो बताऊँ मैं आपको 1, 2, 3 ये 10 अंडे हैं $1.40 के। मैंने इंडिया में कभी पिंक रंग के एग नहीं देखे, यहाँ देखने को मिल गए, पिंक डक एग है, 4 पीस हैं $2 के आसपास, देख रहे हो यार। दाल का पैकेट है $2.40 का, मतलब कि आधा ग्राम 500 ग्राम मूंग की दाल का रेट है $2.40, तो लगभग हो गया 400 रुपये किलो दाल है यहाँ पे मूंग की। $3.50 का इतना सा पैकेट है, ये मेरे हिसाब से 2 किलो का है, हाँ 2 किलो का, 2 किलो का पैकेट है, $3.50 का ये 2 किलो का पैक। केचप है, इसका प्राइस है $1.30 इतनी सी बोतल का, मतलब कि हमारे इंडिया के रेट से 3 गुना रेट है इसका। तो काफ़ी चीज़ें बहुत महंगी है यहाँ पे, लेकिन आपको वैरायटी एक से एक मिलेगी यहाँ पे। तो ये बफे है, और बफे का सिस्टम देखो कैसे है कि $1 में 100 ग्राम आप चिकन ले सकते हो, और आपको स्टीम राइस मिलेंगे $0.20 में 100 ग्राम, और यहाँ से आपने जो जो सामान उठाना उठाओ, फिर वहाँ पर आपकी ग्राम के हिसाब से आपके पैसे मिल जाएंगे। हर तरीके का मीट मिलेगा, और ये पूरा फूड कोर्ट का सेक्शन हो गया। माय फ्रेंड्स दे आल्सो वांट टू ईट बर्गर, या